are going to learn general knowledge standard 4. So students, today we teach lesson number 15 healthy food. तो आज हम इसमें देखेंगे जो फूड होते हैं, तो फूड में कौन से फ्रूट इस्तेमाल करने चाहिए, किसमें फाइबर्स होते हैं, ओके, इससे हमें प्रोटीन्स विटामिन्स मिलते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। देन 16 नंबर लेसन है स्पोर्ट पर्सनैलिटी, जो लोग स्पोर्ट में जिन्होंने उनका नाम किया है उनके बारे में जानकारी लेंगे। देन जो है कप्स एंड ट्रॉफी 17 नंबर का लेसन, इसमें यहाँ पे बताया गया है कि कौन से खेल में किस तरह से ट्रॉफी दी जाती है या कप दिया जाता है। और 18 में है स्पोर्ट्स किट, तो यहाँ पे जो है कि कौन से स्पोर्ट को कौन किस तरह से इक्विपमेंट लगते हैं, कौन सी किट लगती है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 19 पे जो है जीके की टेक्स्ट बुक में 15 नंबर का लेसन दिया है हेल्दी फूड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, हमें क्या है डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए गुड होते अच्छे होते हैं। रीड द क्लूज एंड नेम द फ्रूट्स, यहाँ पे हमें क्लूज दी है, देखिए यहाँ पे लास्ट में हेल्थ बॉक्स है, तो इस हेल्थ बॉक्स में आमला, ऑरेंज, पपाया, एप्पल, टोमेटो, वाटरमेलन और मैंगो ये नेम दिए हैं। तो ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उसमें वो लिखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, आई एम रिच इन ए फाइबर, आई हेल्प इन ए प्रॉपर पासिंग ऑफ ए वेस्ट मैटर, तो यहाँ पे बताया गया है कि मैं फाइबर से भरा हूँ और मैं क्या करता हूँ वेस्ट मैटर बाहर, वेस्ट जो मैटर रहता है बॉडी में से वो पास करता हूँ बाहर निकलता हूँ, वही स्टूडेंट्स पपाया, ठीक है, यहाँ पे हम पपाया लिखेंगे। पपाया खाने से अच्छी रहती है बॉडी, उसमें हमें फाइबर मिलता है। नेक्स्ट है, आई एम रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, पीपल इंजॉय ड्रिंकिंग माई जूस, तो यहाँ पे कहा गया है कि मैं क्या हूँ विटामिन सी से भरा हूँ और लोग क्या करते हैं मेरा जूस पीते हैं, तो स्टूडेंट्स वो है ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है विटामिन सी होते हैं और उसका हम जूस भी पीते हैं। देन आई एम रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई एंड सी, आई हेल्प इन प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे बताया गया है। तो जो एप्पल होते हैं स्टूडेंट्स उसमें विटामिन ए एंड सी होते हैं और वो क्या करते हैं प्रिवेंटिंग करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, अगर हम डेली एप्पल खाएंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात अंधेपन यानी रात को दिखता नहीं, ठीक है, तो वो डिसीज हमें नहीं होता है, इसलिए हमें डेली एप्पल खाना चाहिए, तो फ्रूट है एप्पल, यहाँ पे हम एप्पल लिखेंगे। नेक्स्ट, आई एम द किंग ऑफ ए फ्रूट, यहाँ पे कहा गया कि मैं फ्रूट का राजा हूँ। आई एम वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, और मैं क्या हूँ विटामिन ए मेरी इसमें बहुत सारा भरा हुआ है, तो मैं कौन हूँ यहाँ पे पूछा गया है, तो वो है मैंगो, किंग का क्या है फ्रूट का क्या है किंग है। आई एम कॉल्ड द इंडियन गूसबेरी, आई एम द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, मुझे जो है कि इंडियन गूसबेरी कहा जाता है और मेरे इसमें जो विटामिन सी बहुत भरा हुआ है, तो स्टूडेंट्स वो है आंवला यानी आंवला, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ए पॉपुलर समर फ्रूट, आई एम ए रिच सोर्स ऑफ आयरन, तो जो हम क्या करते हैं समर में यानी धूप के टाइम पे खाते हो फ्रूट और जिसमें क्या होता है आयरन ज्यादा होता है वो है वाटरमेलन, यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर मेलन, ओके। नेक्स्ट, आई एम ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड बी, आई एम यूज टू मेक अ सॉसेस एंड सूप, तो मैं विटामिन ए और बी से भरा हुआ हूँ और लोग मेरा क्या बनाते हैं सॉस बनाते हैं सूप बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स वो है टोमेटो, टोमेटो का हम क्या करते हैं सॉस बनाते हैं ना और सूप भी बनाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दिया गया है डू यू नो द टोमेटो वॉज ब्राउट टू इंडियन फ्रॉम साउथ अमेरिका, तो हमारे इसमें जो टोमेटो आते हैं हम क्या करते हैं साउथ अमेरिका से वो बुलाते हैं यानी अमेरिका इस देश से हमारे इसमें जो है टोमेटो आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हेल्दी फूड मैंने ये लेसन सिखाया है आपको नोटबुक में कॉपी करना है स्टूडेंट्स, साथ में टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। अब हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। नेक्स्ट जो लेसन है पेज नंबर 20 पे 16 नंबर का लेसन है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, जो स्पोर्ट में जिन्होंने नाम किया है ऐसे व्यक्तिमत्व ऐसे लोग उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे हम। राइट द नेम्स ऑफ ए स्पोर्ट टू विच दिस फेमस पर्सनैलिटी एसोसिएटेड, यहाँ पे जो है कि हमें उनके नाम लिखने हैं कौन से स्पोर्ट में वो फेमस है, जैसे कि यहाँ पे कपिल देव, तो स्टूडेंट्स ये फेमस है क्रिकेट में, यहाँ पे हम क्रिकेट लिखेंगे। तो हेल्प जोन में देखिए स्टूडेंट्स बॉटम साइड में जो हेल्प जोन दिया हुआ है
उसमें क्रिकेट, एथलेटिक्स, चेस, रेसलिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्नूकर, बिलियर्ड्स, हॉकी दिए हुए हैं, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके वो लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन से पर्सनैलिटीज कौन से गेम में अव्वल आए हैं या फेमस है। नेक्स्ट देन है मीका सिंह, तो मीका सिंह स्टूडेंट्स रेस में फेमस थे। देन पंकज अडवाणी, वो जो थे स्नूकर में थे। नेक्स्ट है सुशील कुमार, तो ये स्टूडेंट्स रेसलिंग में थे, यहाँ पे हम रेसलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट नाम दिया है सचिन तेंदुलकर, ये तो सभी को पता है। ओके क्रिकेट की पर्सनालिटी थी ये, क्रिकेट में फेमस थे। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, ओके तो बैडमिंटन में फेमस है ये, यहाँ पे हम बैडमिंटन लिखेंगे। नेक्स्ट है गीत सेठी, ओके तो ये जो है बिलियर्ड्स में फेमस थे। नेक्स्ट है सुनील गावस्कर, क्रिकेट में फेमस है ये, यहाँ पे हम क्रिकेट लिखेंगे। देन है महेंद्र सिंह धोनी, आप सभी को पता है क्रिकेट में फेमस है ये। देन है नेक्स्ट जो है करणा मल्लेश्वरी, तो स्टूडेंट्स ये जो है वेट लिफ्टर में फेमस थे। यहाँ पे जो है कि वेट लिफ्टिंग लिखना है आपको। नेक्स्ट है मधुमिता बिस्त, तो ये जो है ये बैडमिंटन में फेमस थी। नेक्स्ट है विश्वनाथन आनंद, चेस में फेमस है ये। उसके बाद है राहुल द्रविड़, क्रिकेट में फेमस है ये। देन है ध्यानचंद, और यहाँ पे ध्यानचंद ये दोनों एक ही है, हॉकी में फेमस है, यहाँ पे भी आपको हॉकी लिखना है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे बताया गया है डू यू नो अभिनव बिंद्रा इज द ओनली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया में जो है अभिनव बिंद्रा, इनको ही क्या मिला है ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो 16 नंबर का लेसन मैंने आपको सिखाया है ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है, साथ में नोटबुक में भी सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे, जो पेज नंबर 21 पे दिया है, 17 नंबर का लेसन है कप्स एंड ट्रॉफी। टिक द करेक्ट स्पोर्ट टू विच द कप और ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, यहाँ पे हमें टिक करना है। यहाँ पे कप्स और ट्रॉफी के नाम दिए हैं, तो कौन से खेल में वो हमें कप ट्रॉफी मिलती है वहाँ पे हम टिक करेंगे। जैसे है अगा खान कप है, ओके तो हॉकी में मिलता है ये, यहाँ पे हम इसे टिक करेंगे। देन है रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट में मिलती है, क्रिकेट में टिक करेंगे। देन है डीसीएम कप, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हॉकी और फुटबॉल, फुटबॉल मिलते हैं इसलिए यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है थॉमस कप, ओके यहाँ पे बैडमिंटन क्रिकेट ऑप्शन दिया है तो बैडमिंटन मिलता है इसलिए यहाँ पे टिक करेंगे। देन विलियम जॉन्स कप, यहाँ पे ऑप्शन दिए हॉकी और बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में मिलता है इसलिए यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट लिम्का ट्रॉफी, यहाँ पे दो ऑप्शन है चेस और बास्केटबॉल, तो लिम्का ट्रॉफी जो है चेस में मिलती है तो यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है नॉर्थ वेल्स कप, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं चेस और शूटिंग, तो शूटिंग में मिलता है इसलिए यहाँ पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है कैनेडा कप, यहाँ पे दो ऑप्शन है शूटिंग और गोल्फ, तो गोल्फ इस गेम में कैनेडा कप मिलता है। डू यू नो, यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको ये पता है ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, चेस इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया, यहाँ पे बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल ये क्या है ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट है नेशनल स्पोर्ट, और चेस जो है रशिया का नेशनल गेम है। ओके स्टूडेंट्स तो ये जो 17 नंबर का लेसन है आपको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है स्टूडेंट्स, साथ में टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है और नोटबुक में भी सॉल्व करना है। अभी हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे, पेज नंबर 22 पे नेक्स्ट लेसन दिया है स्पोर्ट्स किट। देयर आर डिफरेंट किट्स फॉर ए डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट खेलने के लिए गेम खेलने के लिए अलग टाइप की क्या चाहिए किट्स चाहिए। लिस्ट द इक्विपमेंट इन द टेबल विद द हेल्प जोन एज अ गाइड गाइडेंस फ्रॉम द हेल्प जोन,
यहाँ पे आपको बताया गया है कि नीचे जो हेल्प जोन में आपको लिस्ट दी है, तो उसमें आपको सर्च करके यहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम दिए हैं और कौन से इक्विपमेंट चाहिए, साधन चाहिए खेलने के लिए, यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे देखिए हेल्प जोन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसमें बैट है, वेट है, रिक्वेस्ट स्टम्प है, गोल्ड क्लब, गोल्फ बॉल है, बॉल डम्बल्स, क्यू बॉल, ग्लव, बास, हेलमेट, हॉकी स्टिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ में आप यहाँ पे जो गेम दिए हैं स्पोर्ट, वहाँ पे वो लिखने हैं कौन से इक्विपमेंट है। तो फर्स्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने के लिए स्टूडेंट्स बैट चाहिए, देन बॉल चाहिए और स्टंप चाहिए। ओके नेक्स्ट है हॉकी, हॉकी खेलने के लिए स्टूडेंट्स हॉकी स्टिक चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे हॉकी स्टिक और नेक्स्ट बॉल चाहिए। ओके देन है लॉ टेनिस, तो लॉ टेनिस खेलते वक्त जो है स्टूडेंट्स हमें बॉल की सहायता चाहिए, बॉल चाहिए खेलने के लिए, उसकी ज़रूरत होती है और नेट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में डंबल चाहिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम डंबल्स लिखेंगे और वेट चाहिए, तो हम यहाँ पे वेट लिखेंगे। नेक्स्ट है गोल्फ, तो यहाँ पे गोल्फ बॉल चाहिए और गोल्फ क्लब चाहिए, वहाँ पे डी दिया है तो आपको एफ करना है। ओके नेक्स्ट है स्नूकर, स्नूकर खेलते वक्त क्यू चाहिए स्टूडेंट्स, बॉल चाहिए, साथ में टेबल्स वगैरह चाहिए। ओके तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है स्पोर्ट्स किट। तो स्टूडेंट्स आज हमने चार लेसन सीखे हैं, फर्स्ट है हेल्दी फूड, नेक्स्ट 16 नंबर का लेसन है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, 17 नंबर का लेसन है कप्स एंड ट्रॉफीज और 18 नंबर का लेसन है स्पोर्ट किट। तो ये सभी आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है, साथ में नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके देन उसकी फोटोज मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।